सॉरी मैम। क्या सॉरी, मैं तुम जैसे लड़के को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जान के हम जैसे खूबसूरत लड़के से टकराते हो ताकि तुम मौके का फायदा उठा सको, लेकिन बच्चों इस बार तुम्हारा पाला ना एक बहुत गलत लड़की से पड़ा है। आज तुम्हें इसका सबक जरूर मिलेगा। मैडम हाथ मेरे भी है, थप्पड़ मुझे मारना भी आता है, देख लिया ना आपने। और वैसे ना गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, गलती आपकी भी थी, आप भी मोबाइल में देखती हुई आ रही थी। आगे से किसी को थप्पड़ मारने से पहले ना इस थप्पड़ को याद कर लेना, ठीक है? सिर्फ लड़कियों को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। चलता हूँ। भाई यार अपनी स्कूटी की चाबी दिखाई हो यहाँ, मेरे को किताब नहीं आ रहा, मिल नहीं रही यार यहाँ पे। साले स्कूटी चलानी आती भी है तेरे को, ठोक ठाक लाया तो तेरी औकात है स्कूटी चलाने की। साले तेरे से साइकिल तो चलाई जाती नहीं है, स्कूटी चलाओगे तुम उसका सेल्फ पता कहाँ होता है? स्कूटी चलाओगे आगे भिखारी कहीं की। बस स्कूटी नहीं देनी तो मत देना, तो बात तो इससे कर लो। देख रहा कितनी अकड़ पड़ रही है इसमें। अबे औकात कुछ होती नहीं कि आ जाएंगे मुँह उठा के छड़ियल से मुँह का। अबे इतना ही घमंड है ना, जाके अपने भाई से बोल दे कि नई स्कूटी दिला देगा, यहाँ पे भीख मत मांगा कर। हाँ बोल दूंगा, अपने भाई से कह के नई स्कूटी लेकर आऊंगा, देख लेना तुम। साले चला जा, अब बिना स्कूटी के दिख गया ना मुंह काला कर दूंगा। अरे ये तो आकांक्षा है ना? हाँ यार, ये रो क्यों रही है? मुझे इसी को बुला के पूछते हैं इससे। आकांक्षा, आकांक्षा इधर आ। आकांक्षा तू रो क्यों रही है? यार क्या बताऊँ, वो जो मैकेनिक है ना जो शेखर तेरे गैरेज में पहले काम करता था, जिसने अपना काम खोल रखा है पार्क के कॉर्नर में, वो पहले खुद आता है जान के मुझसे टकराता है और फिर मुझे थप्पड़ मार के चला जाता है। क्या, उस मैकेनिक ने तुझे थप्पड़ मार दिया? हाँ। इस साले ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रखा था। जब से इसने काम खोला है मेरे गैरेज के सारे कस्टमर इसके वहाँ अपनी कार की सर्विस करवाने जाते हैं, लेकिन आज इसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसका जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही कह रहा भाई, पहले इसने तेरा काम चौपट करवाया और अब तो इसने आकांक्षा को थप्पड़ भी मार दिया। इसकी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सही कह रहा तो मयंक, आज से मैं छोड़ूंगा नहीं। चला चलो। भैया मुझे आपसे बात करनी है। रुक जा अभी, मैं गाड़ी ठीक कर रहा हूँ, थोड़ी देर में तेरे से फ्री होकर बात करता हूँ। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने तुझे बोला ना अभी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। भैया मेरे को आपसे अभी बात करनी है। बोल रहा हूँ तुझे अभी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात कर लूंगा। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना कि मेरे को आपसे अभी बात करनी है। चला साइड में। हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? भैया मेरे को अभी स्कूटी चाहिए। क्या अभी स्कूटी चाहिए तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख मेरे पास अभी कोई पैसे वैसे नहीं है, बाद में दिलवा दूंगा तुझे स्कूटी। मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरे को आज ही स्कूटी चाहिए। तुझे बोला ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दिलवा दूंगा। और तुझे हो क्या गया, ये भैकी भैकी बातें क्यों कर रहा है तू? मैं कोई भैकी भैकी बातें नहीं कर रहा, आपको पता भी है मेरे दोस्तों ने मेरी कितनी इंसल्ट की है। मेरे को आज ही स्कूटी चाहिए, मुझे दिखाना है उनको। देख बेटा अभी ना लॉकडाउन खुला है, अभी धीरे धीरे काम खुल रहा है। देख मेरे पास जब पैसे आएंगे ना तुझे स्कूटी दिलवा दूंगा, और तू ना ऐसे लड़कों से दूर रह कर तू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे बस। मुझे नहीं पता, अगर पैसे नहीं है तो किसी से कर्जा लो, लेकिन मेरे को स्कूटी दिलाओ वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्या, अगर मैं तुझे स्कूटी नहीं दिलवाऊंगा तो घर छोड़ के चला जाएगा? हाँ हाँ चला जाऊंगा। ऐसा थप्पड़ मारूंगा तेरी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। हजार बार बोला पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, ऐसे लड़कों के साथ मत रह कर, लेकिन नहीं तुझे दोबारा गर्दी करनी है। घर छोड़ के जाएगा ना तू, घर छोड़ के जाएगा ना तू, घर छोड़ेगा। ठहरो बेटा, मैं समझाता हूँ इसे। अभी ये छोटा बच्चा है, तू ऐसे लोगों के साथ क्यों रहता है जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे? तुझे स्कूटी चाहिए ना, मैं देता हूँ तुझे पैसे, जा ले ले स्कूटी और जाके दे दे उनको जवाब। लेकिन एक बात याद रखियो,
ऐसा करके तू अपनी दोस्तों की नज़रों में तो हीरो बन जाएगा, लेकिन तेरा भाई अपनी खुद की नज़रों में गिर जाएगा। उसके ज़मीर को कितनी ठेस पहुँचेगी। आज तेरे दोस्तों ने तेरी स्कूटी के पीछे बेइज्जती करी है, कल को बाइक के पीछे करेंगे, परसों कार के पीछे करेंगे, फिर एक दिन वो तेरे से बंगला मांगेंगे। तो ये गरीब आदमी कहाँ से लाके देगा? तेरी डिमांड पूरी करते करते मर जाएगा ये। अगर फिर भी तू चाहता है तुझे स्कूटी चाहिए तो मैं तुझे पैसे देता हूँ, ले ले स्कूटी। सॉरी अंकल, मैं ही गलत था। मेरे को ऐसे दोस्तों के साथ रहना ही नहीं चाहिए जो मेरे को गलत शिक्षा दे। सॉरी भैया, मैंने अपने दोस्तों की बातों में आके आपसे इतना गलत सलत था। मुझे समझ आ गया, मैं आपसे कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं करूँगा और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। चल कुछ नहीं होता छोटे, मुझे खुशी हुई कि तुझे अंकल की बात समझ में आ गई। थैंक यू अंकल। अरे कुछ नहीं होता बेटा, मैंने तो सिर्फ इसे समझाया है और अच्छी बात है ये समझ गया, और आगे से मुझे लगता है कोई गलत काम नहीं करेगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता। चल छोटे, मैं भी जा रहा हूँ काम करने के लिए, तू घर जाके पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है भैया। रुको बे, देख मयंक वो कर रहा हरामी काम। तू जा, मैं यहां से देखता हूँ। जा मारियो साले को। साले मैकेनिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने की? अच्छा तो इसको भी शांति नहीं है कि तेरे को पिटवाने के लिए नहीं आई यहाँ पर? तू मारेगा मुझे? मैंने इनकी ड्रेसिंग कर दी है, इसमें कुछ दवाई और एक इंजेक्शन है जो 10,000 रुपये का आएगा, जो इन्हें 6 घंटे के भीतर लगना चाहिए। अगर वो इंजेक्शन नहीं लगता तो इनकी याददाश्त या फिर इनकी मौत भी हो सकती है। जैसे इंजेक्शन मिल जाए मुझे फोन कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। ठीक है डॉक्टर साहब। जी यार साहिल, भैया कोई इंजेक्शन लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ भाई, ज़रूरी तो है। तेरे पास इतने पैसे हैं? मेरे पास तो नहीं है, और भैया के पास भी कुछ 500-1,000 रुपये होंगे। तो तू कहाँ से करेगा इतने पैसों का इंतजाम? एक शेखर बाबू जी हैं, भैया के पुराने मालिक, वो शायद हमारी कुछ मदद करें। तू सही कह रहा है, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। चल अभिषेक चलते हैं भाई। चल भाई। सर आपसे मिलने दो लड़के आई हैं। अरे अंदर ही भेज दो उनको। तू? हाँ भैया मैं। बोल क्या काम है? वो भैया किसी ने भी भैया को बहुत जोर के मारा है, उनके सर पे बहुत ज्यादा चोट आई है, और डॉक्टर ने कहा है कि उनको इंजेक्शन नहीं लगेगा तो उनकी याददाश्त जा सकती है और वो मर सकते हैं, पर वो इंजेक्शन 10,000 रुपये का है। अच्छा, ये उस मैकेनिक का भाई है क्या जिसने तेरा धंधा चौपट करा दिया? हाँ उसी का भाई है। अबे तो बोल मैं क्या करूँ? तो भैया आपको 10,000 रुपये दे देते तो उनकी जान बच जाएगी।
अच्छा मयंक बता क्या करना चाहिए मेरे को। भाई पैसे तो दे दे, पर इसका भाई है बड़ा नमक हराम, इसने तेरा धंधा चौपट करवा दिया। बात तो सही कह रहा है तू, क्या करना चाहिए मेरे को तू ही बता। भाई एक काम करते हैं ना, इसकी वफादारी चेक करते हैं। वफादारी चेक करते हैं पर कैसे? भाई वफादार तो कुत्ता ही होता है, इसका मतलब इसे कुत्ता बनाते हैं। कुत्ता बनाते हैं? हाँ। ओए, अगर पैसे चाहिए तो कुत्ते की तरह भौं भौं कर और बोल भौं भौं भैया मुझे पैसे दे दो। लेकिन भैया देख, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगर अपने भाई की जान बचानी है तो बन। भाऊ 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 भैया पैसे दे दो। भाई भाई मजा नहीं आया। बात तो तेरी सही है, मजा नहीं आया। सुनो है, अगर पैसे चाहिए तो ऐसे बोल भैया पैसे दे दो मेरे उस नमक हराम भाई के लिए। भैया मेरे नमक हराम भाई के लिए पैसे दे दो। सुन भाई ऐसे ऐसे आपका हुआ। चल ठीक है अब एक काम कर, घुटने के बल आप कुत्ते की तरह और ले जा पैसे। अरे ते चलना। ले ऐश कर और ले आइयो टाइम पे पैसे, समझ गया ना। भाई आज तो दारू पीने का मजा ही आ गया। डबल हो गया, डबल चेयर्स। इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। जी चल भाई मैं अभी चलता हूँ, डॉक्टर साहब को घर तक छोड़। साहिल हाँ भैया, आपकी हालत किसने की भैया? शेखर बाबू जी और उनके दोस्त ने मारा था। चल अब मैं ठीक हूं, तू अपना ध्यान रख बस भाई। ले वो गाड़ी हुई कि नहीं हुई, जल्दी करो यार। शेखर 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 शेखर। अरे नमस्ते अंकल जी, कैसे आना हुआ आपका? मैं तुझसे बस यही कहने आया था, कल से तू ये जगह खाली कर दे और अपना गैराज कहीं और देख ले। अंकल जी कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपको किराया टाइम पर तो देता हूँ, आप अचानक से ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकता, ये जगह मेरी है, तेरे बाप की नहीं है। और वैसे भी किराया टाइम पे देने से इंसान अच्छा नहीं होता, और तू तो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं,
वैसे भी ये जगह मैंने किसी और को दे दी है। किसको? विनय। साले तू? हाँ मैं। क्या हुआ शेखर? देखिए तेरे को शौक लगा कि तेरा गैरेज अब मेरा हो गया। अंकल पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? चला तुझे पूरी कहानी सुनाता। बात कुछ दिन पहले की है। मैं सोसाइटी के बाहर खड़ा अपनी बेटी के साथ कैब का वेट कर रहा था। अब तक कैब क्यों नहीं आई? मेरा लोकेशन तो यहीं की डाली थी ना। हाँ पापा यहीं की डाली थी, हो सकता है फंस गया हो, आ रहा होगा। पापा, पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ अंकल जी को? पता नहीं, सीने पे हाथ रख के एकदम से गिर गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। एक काम करता हूँ, मैं कस्टमर को गाड़ी बाद में दे दूंगा, इनको भी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अंकल जी आ जाओ। साहिल क्या हुआ, तूने खाना नहीं खाया? तेरी थाली भी वैसी पड़ी है। भैया ने क्या कहा था, टाइम से खाना खाना है ना? तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को भैया के पास लेके जाना पड़ेगा। चल मेरे साथ चल। हाय विनय, उस दिन के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते ना तो आज शायद मेरे पापा की जान ना बचती। शेखर आपको रॉड मार देगा, मेरी वजह से आपको इतना चोट आया, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। साहिल तू यहीं बैठ, मैं भैया को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? अरे कुछ नहीं होता, आप माफी मत मांगिए, जो हो गया उसको भूल जाइए। अब जो कुछ हो चुका उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया इतना ही काफी है। भैया। हाँ अभिषेक। भैया साहिल ने फिर खाना नहीं खाया। साहिल ने खाना नहीं खाया? कहाँ है साहिल? मैं वहाँ बिठा कर आया हूँ उसे। चलो आज साहिल के पास चलते हैं। देखो भैया इसे। क्या हुआ छोटे, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? इसे क्या हुआ है? पता नहीं इसे क्या हुआ है, जब से मेरे को चोट लगी है तब से ना बात करता है ना कुछ खाता है। समझ ही नहीं रहा कौन सी बात इसके दिल में चुभी हुई है। आखिर हुआ क्या है तुझे? भैया मैं बताता हूँ। ये हुआ था भैया। शेखर ये तूने सही नहीं किया मेरे छोटे भाई के साथ में। तुम सही कह रहे हो, शेखर ने बहुत गलत किया है। तुम चलो मेरे साथ, शेखर को उसकी किए की ना सजा मिलनी ही चाहिए। चल तुझको घर लेके जा, मैं आता हूँ। चल भाई। ये तो बहुत गलत किया शेखर ने। आकांक्षा बेटा तुम घर जाओ और विनय तू मेरे साथ चल। देखा शेखर, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त ना एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। कल तक जो गैरेज तेरा था आज अंकल ने वो गैरेज मुझे दे दिया।
इसे ही कहते हैं वक्त का खेल। और तूने जो कुछ किया था ना मेरे भाई के साथ में, मैं तेरे साथ वो सब नहीं करना चाहता। लेकिन छोड़, तेरे को बस इतनी सलाह दूंगा, आगे से किसी के ऊपर जुल्म मत करियो, वरना ना तू इतना भी नहीं रहेगा, समझ रहा है? पर हाँ, कल गैराज खाली कर दियो।